ने गैंगस्टर का इनकाउंटर किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दसे जा रहे ने। देर रात मुकाबला होया है पंजाब पुलिस के गैंगस्टर विचाले। दरअसल वीआईपी रोड से पंजाब पुलिस ने जीरकपुर के वीआईपी रोड से पंजाब पुलिस ने नाकेबंदी की हुई सी। इसे दौरान मोटरसाइकिल पर दो गैंगस्टर आए जिन्होंने नाका देखा। नाका देख के उन्होंने मोटरसाइकिल पछाण उपजा लिया। भजदे भजदे वो डिग गए। इसे दौरान पुलिस पार्टी टीम उन्हां वल वधी। जदों उन्होंने पुलिस पार्टी टीम देखी अपने वल आंदी तां पुलिस टीम ते फायर कर दिते। पुलिस वल्लों भी फिर जवाबी कार्रवाई की गई। इत्थे मुकाबला हो गया वीआईपी रोड दे उत्ते। गैंगस्टरां ने पुलिस पार्टी दे उत्ते फायर कर दिते। फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। एक गैंगस्टर की लत दे विच गोली लग गई। देर रात पूरा मुकाबला होया है। ताड़ ताड़ गोलियां चलियां ने, फायर होए ने दोनों पास्यों। दरअसल वी आई पी रोड के उत्ते जीरकपुर के वी आई पी रोड के उत्ते पंजाब पुलिस की टीम वल्लों नाकेबंदी की हुई सी। इसे दौरान मोटरसाइकिल पर दो गैंगस्टर सवार होकर आए जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दसे जा रहे हैं। गोल्डी ब्राड गैंग के गैंगस्टर दसे जा रहे हैं। इन्होंने नाकेबंदी देख मोटरसाइकिल पछाण उपजा लिया। तो टीम भी इन्हों मगर लग गई, घेराबंदी कर ली। ये डिग गए। जिवें ही डिगे पुलिस टीम इन्हों के कोल पहुंची। इन्होंने पुलिस टीम के उत्ते फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस टीम वालों भी जवाबी कार्रवाई की गई, फायर किए गए। एक गैंगस्टर की लत दे विच गोली लगी है जबकि दूजा फरार हो गया। दसिया जा रहा है कि इत्थे वड्डी वारदात को अंजाम देन आए सन। एक बिजनेसमैन इन्हों के निशाने ते उत्ते सी। ये वड्डी वारदात को इत्थे अंजाम देन आए सन जिस तों बाद पुलिस ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। इन्हों के कोलों हथियार भी बरामद होए ने जबकि एक गैंगस्टर फरार होने च कामयाब हो गया। ये पूरा जीरकपुर रोड के उत्ते वीआईपी रोड के उत्ते पूरा मुकाबला होया है। एजीटीएफ की टीम ने इन गैंगस्टर दबोचया है। एक फरार हो गया, एक गैंगस्टर दबोच लिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दसे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का की कहना है आओ तुहानू सुनाने। सर अज इनकाउंटर होया कोई की मामला सी, कौन बंदे कित्थों किने फायर होया? अब साड़ी टीम जी पुलिस पार्टी थी एस एच ओ नाल अपने अमनदीप जो सब इंस्पैक्टर से जैसे अमनदीप सिंह के मौके से इतने गश्त कर रहे थे। जो इन्होंने एक मोटरसाइकिल देखा भी बड़ी सस्पिशियस हालत ना, वह नंबर से मुंडे इन्होंने रोक के जो पूछने की कोशिश की तो उन्होंने हफड़ा दफड़ी के तो इन्होंने जो चेज किया। इन्हों का व्हीकल बाय चांस उस डायरेक्शन से, इन्होंने जो चेज किया तो वो हिट होने बाइक हिट होने बाइक व्हीकल हिट होने कारण इतने गिर गया। तो उन्होंने घबराते हुए पुलिस के उपर फायरिंग शुरू करती है। फायरिंग शुरू के जो सारी पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर किया तो उन्होंने एक मनजीत सिंह जिसकी लत फायर लगे तो उत्थे गिर गया। तो दूसरा बंदा जरा इतने तुम पिछले देख सकते हो काफ़ी खेत है, खुला एरिया है, मौके का फायदा उठाते हुए निकल गया इतों। तो वो जरा मेन दोषी फड़िया गया इतने मनजीत सिंह, वो पहलों भी काफ़ी पर्चे दर्ज ने रंगदारी के पहलों बड़ा एक फेमस केस है ब्रियू ब्रॉस का इतने जिहड़ा कि इतने गोली चलाई थी इन्होंने। सर केड़े गैंग नाल संबंधित है? एक गोल्डी ब्राड का गैंग है जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। इत्थे कि जीरकपुर दे विच रहिंदे सी? नहीं, ये है तो जो मनजीत सिंह है डेरा बसी का पर खेड़ी गुजरा पिंड उत्थे। पर हमने ज लेटेस्ट हले डेढ़ महीना पहले ही बील ते आया सीगा। पहलों भी पुलिस पार्टी ने इन जो पुलिस टीम ने ब्रू ब्रॉस वाले वैपन वगैरह की कुछ बरामद हुए। इन्हों जो एक बंदा फड़िया गया वो दो वैपन ने, एक 32 बोर का है एक 30 बोर का, दोनों सोफिस्टिकेटेड वैपन ने। अभी तफ्तीश कर रहे हैं भी ये सोर्स की है, की करना है सी सारा कुछ। पुलिस ने कोशिश की पर जो उन्होंने भज के पुलिस के उपर फायर किया जवाबी फायर से इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन देते इन्होंने किया। कितने फायर हुए हैं सर? रंगदारी के केस इन्होंने पहले भी दर्ज है जी, हमने जेल चो आया ऑलरेडी जो मेन। थैंक यू सर।